हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मीठू। आज इवनिंग में आ गई आप लोगों के साथ मेरे ब्लॉग लेके। मैं पूरा दिन ब्लॉग नहीं बनाया, तो इवनिंग में आज एक इवनिंग स्नैक्स में बनाऊंगी जिसका नाम है मैंगो फ्लिटर्स। और जो इवनिंग में बहुत ही अच्छा खासा एक स्नैक्स बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। चाय के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, न्यू एक रेसिपी है मैंगो का और मैं आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करूँगी। झटपट में बनाती हूँ, आप लोग देखो कुछ भी नहीं लगते। घर में जो जो है और मैं जिससे जिससे बनाऊँगी ना, सब है घर में, आप लोगों के सबका घर में रहता है। और उस दिन मैं गए थे ना मार्केटिंग के लिए, तब मैं मैंगो जो लेके आया था वही मैंगो से मैं बनाऊंगी अभी मैंगो फ्लिटर्स। तो चलिए मेरे साथ झटपट में बनाती हूँ मैंगो फ्लिटर्स। चलिए, तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंगो फ्लिटर्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले तो मैंगो का जो बल्ब है मैंने इसको पेस्ट कर लिया एक बाटी, और इसके बाद कोकोनट को मैंने ऐसे कर लिया, अभी छोटा बाटी से मैंने ले लिया एक बाटी। इसके बाद इसी बाटी से मैंने और एक बाटी मैदा ले लिया मैंने। इसके साथ चाहिए शुगर, आप लोग अपने, और एक बाटी शुगर। इसके बाद मैंने सूजी डालूँगी, मैंने सेमोलिना मैंने डालूँगी थोड़ा सा कुरकुरे होने के लिए। मैंने 1 and 2 टेबल स्पून मैंने सेमोलिना यानी सूजी डाला। इसके बाद मैं डालूँगी पाउडर मिल्क एक टेस्ट के लिए, मैं 1 टेबल स्पून मैंने पाउडर मिल्क डाला, ये टेस्ट के लिए है, बहुत ही टेस्ट आती है पाउडर मिल्क से। इसके बाद मैं सब एक साथ मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने डालूँगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, आप लोग बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन बेकिंग पाउडर ही सबसे अच्छा होता है। मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने डाल रही हूँ, हाँ। तो अभी मैं सब एक साथ मिक्स कर लूँगी। तो चलिए मैं अभी सब मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। देखिए मैंने सब एक साथ मिक्स कर लिया, अभी फ्राई करती हूँ। देखा कितना अच्छा होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। लेकिन क्या है ना, इसको बनाने के टाइम गैस का फ्लेम बहुत कम करके रखना, नहीं तो जल्दी वो पक जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इसलिए थोड़ा सा गैस का फ्लेम कम करके फिर धीरे धीरे इसको बनाना है। इसको मैंगो बड़ा भी बोल सकते हो आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी।
इतना अच्छा खुशबू होता है। और मिल्क पाउडर क्यों दिया मैंने, मिल्क पाउडर देने से क्या है ना, इसका जो टेस्ट है ना इतना अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। कोई कोई चावल का आटा से भी बनाती है और कोई कोई मैदा से भी बनाती है, मुझे तो मैदा से अच्छा लगता है। इवनिंग का स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा एक रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही। और थोड़ा सा बाकी है इसके बाद। आज मैं नहीं बनाने वाली थी लेकिन क्या ना, उस दिन मैंने मैंगो लेके आया था, तो इसके बाद मेरी बेटी मुझे बोल रही थी मम्मा मैंगो से और एक कोई रेसिपी बनाओ। मैंने बोला मैंने तो आइसक्रीम तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं तो बनाती हूँ, लेकिन अभी आइसक्रीम बनाऊंगी तो वो खाएगा तो इसके वजह से उसको प्रॉब्लम होता है, नहीं तो ठंडा बन लग जाएगा, तो इसलिए ठंडा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं आज। तो मैंने सोचा चलो मैंगो से मैंने ये बना देती हूँ। तो चलिए मैं झटपट इसको बना लेती हूँ, थोड़ा सा हो जाएगा। तो देख लो मेरी मैंगो फ्रिटर्स बन के बिल्कुल रेडी। इसको आप लोग मैंगो बड़ा भी बोल सकते हो, कितना अच्छा हुआ ना दिखने में। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक तोड़ के, देखा अंदर से कितना अच्छा हुआ, देखा बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है खाने में। तो चलिए मेरी मैंगो फ्लिटर्स बन के बिल्कुल रेडी, कितना टेस्टी टेस्टी है, वाओ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कितना खुशबू आ रहा है। आप लोग इसको मैंगो फ्लिटर्स भी बोल सकते हो, मैंगो वड़ा भी बोल सकते हो, दोनों एक ही है और खाने का टेस्ट भी एक ही है। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आप लोगों को तो मैंने दिखा दिया, तो आप लोग इसमें डेसिकेटेड कोकोनट और मैदा और सूजी यानी सेमोलिना आप लोग थोड़ा सा जो मैंने जैसे जैसे दिखाया जितना क्वांटिटी में चाहिए इतना ही देना। और राइस का जो आटे के बारे में मैंने बोला ना, राइस का आटा बिल्कुल मत देना मेरी मानिए तो, क्योंकि राइस का आटा से टेस्ट थोड़ा सा अलग सा होता है, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा हो जाते हैं और सॉफ्टनेस जो होता है ना इतना नहीं आते। तो इसके लिए मैदा से और सूजी से बनाइए और डेसिकेटेड कोकोनट दीजिए। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये है पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क से ना बहुत ही एक टेस्ट आते, बहुत ही टेस्ट आते, तो इसलिए पाउडर मिल्क भी डालिए आप लोग और आप लोग इसे बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। तो मेरी बक बक कम अभी सबके साथ मिलके इसको खाती हूँ और मज़ा लेती हूँ, और आप लोग भी ऐसे बनाइएगा खाइएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब तो करेंगे, ठीक है ना।
तो आज के लिए इतना ही है, बहुत ही छोटा सा है मेरे ब्लॉग। आज मैं सिर्फ मैंगो फ्लिटर्स बनाया क्योंकि आज मुझे कुछ बनाने को मन नहीं है, इसको ही सिर्फ बनाने को मन था और सबके फरमाइश की वजह से, मेरी बेटी का फरमाइश सबसे ज़्यादा था, तो इसके लिए मैं बनाया और यही मैं मेरे ब्लॉग को भी रखती हूँ। ठीक है, टाटा बाय बाय, अभी हम लोग खाते हैं इसको। ठीक है,